हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आज सर्दियां आ गई हैं, तो अच्छे से आप लोग कोट वगैरह खरीद लो और अपना ध्यान रखो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो और कोट वगैरह खरीदो, सर्दियों से बचो, ठीक है, क्योंकि सर्दियां आपकी जान सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। उसके बाद यार आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं आज अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की क्या अपडेट है, क्या सारा एडमिशन का क्या सारा सीन है, एंड लॉट ऑफ द स्टूडेंट क्वारी अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की भैया यहाँ का क्या सारा सीन है और कब तक जो है जस्ट लाइक यहाँ पे क्या सारा सीन रहने वाला है एडमिशन वगैरह का। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से अभी तक जो है 3 लिस्टें रिलीज कर दी गई हैं, एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ये कंसर्न था कि भैया हमको सीट अलॉट हुई थी लेकिन हम एडमिशन ले नहीं पाए, तो उनके लिए क्या सारा सीन रहेगा, क्या उनको आगे कोई मौका मिलेगा एडमिशन का, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एंड इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्ट लाइक स्टार्टअपिस्ट हमारा एक न्यू चैनल है, उसको आप लोग जाके जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब करना ही पड़ेगा, ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब करो पहले। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ भाई। उसके बाद यार बात करते हैं सीयूईटी पीजी वाले बच्चों के लिए, तो अभी तक 3 राउंड कंडक्ट कर दिए गए हैं। 21 नवंबर 2022 को सीयूईटी पीजी का राउंड आया है, थर्ड अलॉटमेंट। इसके साथ ही सीयूईटी यूजी का आई थिंक 17 तारीख के आसपास आ गया था थर्ड राउंड। अब भी कुछ बच्चों का ये कंसर्न है कि भैया जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो सीटें बची हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबीसी में जो सीटें हैं, या फिर ओबीसी में मान लो सीटें हैं नहीं किसी कोर्स में, और अगर जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी में है तो क्या हम जा सकते हैं क्या। हाँ तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बच्चा पार्टी, इसके लिए क्या सारा सीन रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो पहले जो बेसिस दिया जाता है वो दिया जाता है जनरल के बेसिस पे। पहले जनरल के बेसिस पे जितनी भी सीटें रिजर्व जो बचती है वो आपको आपके ज़्यादा मार्क्स के बेसिस पे दी जाती है। अगर सीटें बचती है यानी कि कैटेगरी वाइज जो सीटें होती है वो कैटेगरी वालों को प्रोवाइड की जाती है, तो आप जो है उस बेसिस पे ले सकते हो एडमिशन। अगर आपकी कैटेगरी में सीटें नहीं है और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो हो सकता है आपका जो है जनरल के बेसिस पे हो जाए, लेकिन जनरल के बेसिस पे इस टाइम पे तो काफी कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अभी आगे क्या सारा सीन रहने वाला है भैया, क्योंकि जो लास्ट डेट थी फीस पेमेंट की वो 23 तारीख तक है, तो आज 23 तारीख है, आज पेमेंट की लास्ट डेट है स्पेशली यूजी वाले बच्चों के लिए एंड पीजी वाले बच्चों के लिए। राजस्थान में क्या रहने वाला है, और कुछ स्टूडेंट का ये भी कंसर्न था कि भैया ये तो राजस्थान है, ये कैसा कॉलेज है वैसे कोर्सेज के लिए, अगर हम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीए ऑनर्स हो। तो यार प्लेसमेंट के मामले में अगर मैं बताऊँ आपको, जितने भी जीएफटीआई कॉलेजेस है वो प्राइवेट का तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यानी कि डीयू भी नहीं कर पाता मुकाबला, चाहे एनआईटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, इनका तो मुकाबला नहीं कर पाते ये लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लिए मैं बताऊँ, जैसे कोई बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बीटेक करता है तो उसके कुछ चांसेस है कि वो जो है किसी भी टेक कंपनी के अंदर चला जाएगा, या फिर उसको ठीक ठाक मतलब जॉब मिल जाएगी, एवरेज आप मान के चलो 2 से 3 LPA की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से बीएससी करता है, एमएससी करता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, उसको जो है मेजोरिटी कोई भी कंपनी रिक्रूट नहीं करती, कोई किसी भी कॉलेज की बात कर लो, चाहे आप डीयू की बात कर लो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, कोई नहीं उठाएगा आपको। बेसिकली इसके अंदर ये सीनियोरियो रहता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जस्ट लाइक परस्यूम करते हैं, या तो आप लोग जो है जो जस्ट लाइक अभी बहुत सारी जगह ये सिस्टम आ रहा है कि आप लोगों को जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं, जैसे कि आपका बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का होता है, तो जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों ने एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों ने अभी नोटिस निकाले कि आप जो है अपनी डिग्री को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, जैसे आपका बीसीए एमसीए कोर्स है, तो आपको आपका अगर बीसीए 3 साल हो चुका है तो आपको उसकी डिग्री डिवाइड दे दी जाएगी। अगर आप छोड़ना चाहते हैं एमसीए, देन आप अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2 साल में वो जो भी उसका ईयर होता है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 साल का कोर्स ले रहे हैं जैसे बीएससी एमएससी, तो आप 3 साल में बीएससी आपका हो जाएगा तो आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। अब ये बहुत कम कॉलेजों में है, सभी में नहीं है, वरना आपको 5 साल पूरा करना पड़ता है, आगे वाले 2 साल में आपको एमएससी की मिल जाती है, तो 5 साल में आपका D1 डिग्री प्रोग्राम हो जाता है और आप एक पीजी कैंडिडेट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली या तो एसएससी या फिर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करते हैं, या फिर ये जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली टीचर वगैरह बनते हैं, या फिर रिसर्च एंड फील्ड के अंदर जाते हैं, इनके पास जो भी टेक फील्ड वगैरह में जाने का कोई ऑप्शन
नहीं होता है और बहुत सारे तो ऑलमोस्ट टीचर ही बनते हैं या फिर बेरोजगार बनते हैं या फिर खान सर जैसे लोगों के पास जाके कोचिंग करते हैं आईएएस ओएएस और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी मूवी वगैरह में अपना नाम दिखाते हैं, बस ये सारा सीन रहता है। तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि आप लोग जो एडमिशन ले रहे हो वो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपको कोई करोड़ों का प्लेसमेंट होने वाला है आपका अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ये है कि एक रेपुटेटेड, मतलब रेपुटेटेड तो नहीं कह सकता, मतलब ठीक ठाक कम प्राइस के अंदर आपको अच्छी लोकेशन पे ठीक ठाक, मतलब आप एक डिग्री ले लेते हो या फिर आपका रहने की जगह मिल जाती है 3-4 साल तक, मतलब ऑलमोस्ट ये मान सकते हो। और मतलब कोई बहुत बड़ा कोई मुकाम नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेना, राइट। तो ये सारा सीन है। अभी जो ओपन राउंड के रिगार्डिंग और स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग आप लोगों को ईमेल आना शुरू हो गया होगा बहुत सारे कॉलेजों के अंदर, तो आप लोग जो अपनी ईमेल आईडी को जरूर से चेकआउट करें कि आपकी ईमेल आईडी में क्या नोटिस आया है रिगार्डिंग द स्पोर्ट राउंड, आपको कब जाना है कब नहीं जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों का ईमेल्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। और हाँ, प्लेसमेंट वगैरह के हालात स्पेशली जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है या फिर जो लोअर कोर्सेज है उनके लिए तो बहुत ख़राब है। एंड कुछ जो इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं उनमें भी ऑलमोस्ट 2 से 3 LPA तक का कोर्सेस का प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है, और यहाँ पे कोई बड़ा कोई लाखों वगैरह में प्लेसमेंट कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। और वहाँ मतलब ठीक ठाक इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन यार उतना अच्छा आप लोग मान के ना चले कि आपने CUET निकाल लिया, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी या GFTI में एडमिशन ले लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया, वैसा कुछ नहीं है। हालांकि जो NITs में बच्चे हैं, IITs में हैं या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में हैं उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन इन ऐसे कॉलेजों में कोई मतलब ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सर्वे एंड जस्ट लाइक रिपोर्ट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बहुत सारे प्रोफेसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नासा की बहुत सारी मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आई थिंक ऐसे 7 प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वाई? क्योंकि वो R&D के अंदर है और बहुत सारे स्टूडेंट, लॉट ऑफ द स्टूडेंट इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PDoc कर रहे हैं, कोई PhD कर रहा है एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे सारे के सारे बच्चे। एडमिशन के लिए जैसा आप लोग अपनी ईमेल चेकआउट करते रहो, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है वो टिल 23 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, जो भी आपको टाइम दिया गया, उसके बाद फर्दर 25 के आसपास स्पोर्ट राउंड या ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि भैया न्यू बच्चों को ऑप्शन मिलेगा क्या, हाँ तो यार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है न्यू बच्चों को रजिस्ट्रेशन का मौका देने का, बिकॉज जो है पहले इसका फीस काफ़ी ज़्यादा हाई थे तो बहुत सारे बच्चे रजिस्टर नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ अभी ये जो यूनिवर्सिटी है मतलब हो सकता है कि मौका दे दे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। थैंक यू। और जस्ट लाइक अगर आपको लगता है कि मैं आपकी थोड़ी सी भी कभी कभी हेल्प हो जाती है तो जाके जरूर से स्टार्टअप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपको अगर एडमिशन गाइडेंस एंड अदर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में लेना होता है या फिर कोई अपडेट एंड अदर सारा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है बाय द टीम इंजीनियरिंग वाला, तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सर्दियों से बचो, कोट वगैरह पहन लो, ठीक है। थैंक यू।